गाइस, वेलकम टू आई लर्नर। सो अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपने सुनी ली होगी कि टिकटॉक कम्प्लीटली बैन हो चुका है। उसके साथ साथ अदर 59 चाइनीज ऐप भी बैन हो गए हैं, जिसमें कि जेंडरो, शेयर इट और सीन और बहुत सारे फेमस चाइनीज ऐप है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप न्यूज कटआउट्स, जिसमें कि 59 चाइनीज ऐप इंक्लूडिंग टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। आप जानते होंगे गलवान वैली में चाइना और इंडिया के साथ काफी ज्यादा स्टैंड ऑफ हो रहा है, जिसमें चाइना की तरफ से काफी ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है इंडिया के ऊपर। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है और उन्होंने इस चीज को देखते हुए 59 फेमस ऐप। सो ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज है फ्रेंड्स। जानते हैं चलिए कौन से ऐसे ऐप है जो कि इस चीज में इंक्लूडेड है। इसमें बहुत सारे फेमस ऐप है, जैसे शेयर इट, यूसी ब्राउजर और टिकटॉक, बायजू मैप, क्लैश ऑफ किंग्स, हेलो ऐप, लाइकी ऐप, यू मेकअप, क्लब फैक्ट्री, वी चैट, यूसी न्यूज, जेंडर, सेल्फी सिटी, एम आई वीडियो कॉल, डी यू रिकॉर्डर, डी यू ब्राउजर, कैम स्कैनर, फोटो वॉन्डर, क्यू प्लेयर, वी मेट, वी मैट, यू वीडियो। सो आई एम डैम श्योर इनमें से किसी ना किसी ऐप को आपने अपने फोन में इंस्टॉल करके रखा ही होगा। सो फ्रेंड्स, आज के बाद इस चीज को अपने फोन में रखना लीगल नहीं रहा है, क्योंकि इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑफिशियल ऑर्डर से बैन कर दिया है। तो चलिए जानते हैं पूरी न्यूज। सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर को रीजन रखते हुए ये सारे ऐप को बैन कर दिया है, जिसमें कि शेयर इट, हेलो, शीन, लाइकी, वी चैट, यूसी ब्राउजर जैसे ऐप इंक्लूडेड है। इनके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि ये लोगों की प्राइवेसी और यहाँ से डेटा लेकर के तुरंत ही उसको किसी और कंट्री में शिफ्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने यही बात की कि हमारी सॉवरेनिटी को यहाँ पे खतरा हो रहा था। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को लेकर के इस चीज को कम्प्लीटली बैन कर दिया है। फ्रेंड्स, ये जो एक्ट है ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पावर देता है, ये कि स्पेशल एक्ट है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, एक चीज याद रखिए, कोई भी स्पेशल एक्ट जो होता है वो सबसे ऊपर होता है और उस चीज को ना ही हमारा CRPC ना ही हमारा IPC ये इस चीज को भी क्रॉस कर सकता है। तो वही बात है कि इन्होंने प्रोसीजर एंड सेफगार्डिंग फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय पब्लिक, यानी कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी सॉवरेनिटी को देखते हुए इस एक्ट की हेल्प ली है, जिसमें सेक्शन 69 ये पावर देता है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है ये लीगल है, इसमें कुछ भी तरह का गलत कुछ भी चीज नहीं है। तो वही इसमें इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी कि ये स्टील कर रहे थे, सरस्टिशियसली ट्रांसमिट कर रहे थे यूजर के डेटा को और अनऑथराइज्ड मैनर में। फ्रेंड्स, इस बात को कंफर्म किया है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया ने कि जो पॉपुलर शॉर्ट फिल्म मेकिंग वीडियो ऐप जो है टिकटॉक, वो लोगों के डेटा को ले रहा था और ट्रांसफर कर रहा था। फ्रेंड्स, आप जानती होगी कि इंडिया में बहुत दिनों से बायकॉट चाइनीज ऐप और चाइनीज प्रोडक्ट्स का कैंपेन चल रहा है, जो कि ट्विटर पे बहुत दिनों से ट्रेंड भी कर रहा था। और इंडिया ने अभी नया आत्मनिर्भर भारत प्लान भी लाया है, जिसकी वजह से ये स्टेप लिया गया है कह सकते हैं आप, और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी था। और आप एक चीज और देखा होगा कि इस चीज को हमारे भारत के जो सिटीजन है ये भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप देखिए, आपने ये चीज देखा था कि गलवान वैली में स्टैंड ऑफ हुआ था, तो वैसे ही टिकटॉक की रेटिंग गिरा दी गई थी प्ले स्टोर पे, लोगों ने काफी ज्यादा गलत कमेंट्स किए उसके ऊपर। और इसके बाद में ये जो है ये टॉप 10 में ये सबसे लास्ट नंबर पे आने लग गया था, पहले वो टॉप 3 और टॉप 5 में रहने वाला ऐप था। फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे कि अराउंड 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए थे लद्दाख में, जब चाइना ने हम पर अटैक किया था। सो भले ही इंडिया टॉप 3 कंट्रीज में आता हो टिकटॉक को यूज करने वाला, बट ये स्टेप सही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बाकी लोगों का सपोर्ट, तो यहाँ पे काफी लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है इस चीज को, इस डिसीजन को, जिसमें कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है इन्होंने सपोर्ट किया है। इसने कहा है कि दिस ह्यूज अनप्रेसिडेंट स्टेप विल गो अ लॉन्ग वे इन स्ट्रेंथनिंग द बॉयकॉट चाइना कैंपेन ऑफ CAIT। आगे देखते हैं, ये आप ट्विटर पे देख सकते हैं कि ये आज ट्रेंड कर रहा है ये न्यूज, जिसमें काफी सारे लोग अपनी पर्सनल ओपिनियंस लिख रहे हैं कि किस तरीके से ये डिसीजन जो है हमारे इंडिया के फेवर में है। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप इस वीडियो के कमेंट पे मेंशन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस इन्फॉर्मेशन को आप स्प्रेड कर सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल, बाय।